जनपद प्रयागराज में टेला गांव में हुई घटना को लेकर सीओ ने मांगी 2 दिन की मोहलत। बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय चिंतामणि वर्मा, ज्ञान सिंह पटेल, पूर्व जिला अध्यक्ष साबिर सिद्दीकी, हडिया के सभी कार्यकर्ताओं ने 200 लोगों के साथ हडिया थाना का घेराव किया। 7 तारीख को हुए टेला गांव की घटना को लेकर हंडिया सीओ से अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। सीओ ने 2 दिन का समय मांगा, जिनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता नीलम माही ने। 8 मैं जांच कराना चाह रहा हूँ, मैंने भेजा था, अभी जांच होकर नहीं आई है। 2 दिन का उन्होंने मैं मांगा है कि हम जांच करके, लेकिन अभी तक 7 तारीख की घटना हुई है, आज 16 तारीख है, 7 दिन के बाद अब जाकर प्रशासन एक्शन ले रही है। आवेदन दिया गया था लेकिन उस पर अभी हीनावाली हो रही है। मतलब अभी भी सीओ ने, अभी भी प्रशासन ने आपसे 2 दिन का टाइम मांगा है जी। आप लोगों को क्या लगता है, उस मासूम को, उस गरीब को इंसाफ मिलेगा? आज की सरकार में न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो आप लोग जानते सही करेंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि उस गरीब को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अभी आपसे, आप सीओ से आपसे बात हुई है, सीओ साहब ने क्या कहा? साहब कहेंगे 3 दिन का मुझे समझ के इस घटना की मैं पूरी जांच करूंगा। आज 7 तारीख से लगभग लेकर आज 14 तारीख हो गया, अभी 7 दिन में से कोई पुलिस कोई इंडिया वाली बस दे के भगा दिया गया है। मेरे घर कोई नहीं आया जांच पड़ताल करने के लिए, तो 3 दिन का और टाइम मांगे सर, देखो क्या होता है, हमको चाहिए कुछ न्याय मिलना चाहिए, कुछ नहीं। 7 दिन हो गया फिर भी आप 2 दिन का टाइम और मांग रहे हैं, प्रशासन लगता है कि प्रशासन आपके लिए कुछ करेगी? उनको तो ऐसा नहीं लगता कि मुझे न्याय मिलेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि न्याय मिलेगा, प्रशासन में मुझे न्याय नहीं मिल सकता है। क्यों, प्रशासन के ऊपर भरोसा नहीं आपको? नहीं, अगर प्रशासन पर भरोसा होता तो उसी दिन आके जांच पड़ताल करना शुरू कर देते, मुझे भरोसा नहीं है। मतलब घटना स्थल पर प्रशासन नहीं पहुंची थी? नहीं। आपको क्या लगता है सीओ साहब ने क्या कहा है आपको? घर पर घर आती है, नहीं रोती है, यहाँ रोती है, क्या वो जब उधर करिए, हमारा सीओ साहब कुछ सुनता नहीं है। अच्छा, सीओ साहब ने ऐसा कहा है? दरोगा साहब ने कहा है? अच्छा, हमें कुछ नहीं आना मिला, हमारे घर तो कोई नहीं जाता है, न कोई पूछता है, हमारे भी लड़के कट गया, हमें लड़की की कोई नहीं पूछा, नहीं आता खबर लिया। प्रशासन ने अभी किसी को अरेस्ट किया है कि नहीं किया है? किया है, लेकिन दूसरा भी किया है तो दूसरा कहे तो दूसरा ऐसा नहीं करेगा, लेकिन दूसरा करा है। अभी 7 दिन हो चुके हैं लेकिन 2 दिन का टाइम और मांगा गया है, अब ये देखना है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। सर, आपको क्या लगता है कि 7 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक प्रशासन कोई एक्शन नहीं लिए इस घटने में, क्या लगता है कि इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? हमें कल जानकारी हुई और हमने सीओ और इंस्पेक्टर हरिया से बात किया और कल हमारे जिम्मेदार साथी विधानसभा से वो शाम 5 बजे तक इंस्पेक्टर साहब और सीओ से बात किए और क्योंकि FIR नहीं हुई और सुबह विधानसभा अध्यक्ष हंडिया से बात किए, हम और हमारी पूरी पार्टी इस परिवार के साथ खड़ी है और सीओ साहब ने 2 दिन का समय मांगा है, अगर सीओ साहब 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं करते तो हम FIR के लिए उच्च अधिकारियों के पास भी जाएंगे और हमारी पूरी पार्टी बच्चे के पिता के न्याय के लिए, अगर जो है ये FIR नहीं करते हैं तो हमारी पूरी पार्टी जो है संघर्ष करेगी। चिंतामणि वर्मा, जिला से बहुत।